चलो बच्चों, यहाँ पर जो है पंचम जमात में, कब है पंचम, पंचम जमात में जो है आज हमें क्या है यहाँ पर जाविये के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जाविये के बारे में समझाने से पहले हमें चंद मिसालों को समझेंगे। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ पर जो है अक्सर हमारे स्कूल में जो है हमें ये करा दी परेड करा दी, तो परेड के अंदर हम क्या करते हैं, सीधा ठहरने के बाद दाएं मुड़ करने के बाद क्या करते हैं, एक दो तीन एक दाएं मुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहला होगा जो है दाएं मुड़ना, उसके बाद में बाएं मुड़ना, ठीक है। यहाँ पर एक चीज बनती है उसके बारे में बाद में मालूम में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर और एक दूसरी मिसाल है, घर में नल होता है, नल 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 होता है नल, ठीक है। यहाँ पर नल नल की टोटी होती है, नल की टोटी, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर ये नल की टोटी बंद करने और चालू करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, हमें घुमाना पड़ता है, दूसरी मिसाल। उसके बाद तीसरी मिसाल जो है, ड्राइवर जब बस में गाड़ी चलाता है या बस चलाता है तो क्या करता है, उसे स्टेयरिंग को घुमाता है, सीधा अगर घूमना है तो ऐसे घुमाता है, दाई तरफ अगर घुमाना है तो क्या करता है, उसे स्टेयरिंग को घुमाता है, तो एक जगह से ऐसा दूसरी तरफ और इधर घुमाता है, ये तीसरी मिसाल। उसी तरह चौथी मिसाल जो है, हमारे जो फैन का रेगुलेटर होता है, फैन का क्या होता है बेटा, वो रेगुलेटर एक दो तीन नंबर पर होता है, तो इसे क्या करते हैं, हमें स्लो होना रहा तो कम करते हैं, या तो उसे ज्यादा होना, फैन की आवाज ज्यादा होना, तो उसे क्या करते हैं, हमें घुमाते हैं। तो तमाम मिसालों में जो यहाँ पर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, यहाँ पर घूमना होता है, तो वहां जो चीज बनती है उसे हमें क्या कहते हैं, उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें जाविया कहते हैं, क्या कहते हैं, जाविया कहते हैं। तो यहाँ पर जो जाविया बनता है, मिसाल के तौर पर एक ए भी एक जिला है, बीसी और एक जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर दो जिलों के बीच में या दो जिलों के बीच में जो चीज बनती है उसे क्या कहेंगे, हमें जाविया कहते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पर एक और एक मिसाल है, घड़ी का घूमना, यहाँ पर जो एक मिनट का काटा है और एक घंटे का काटा है, तो मिनट का काटा समझेंगे हमें 12 नंबर पर है, और ये जो घंटे का जो काटा है वो 2 पर है। तो यहाँ पर ये दो चीजों के बीच में जो बनते हुए इसे क्या कहेंगे, हमें जाविया कहेंगे। यानी